मेरा नाम महेश कुमार सराठे है, मैं अशोका गार्डन में रहता हूँ और ये काम करते करते मेरे करीब 50 साल हो गए। बार्बर यानी नाई, या जिसे आम शब्दों में बाल काटने वाला भी कहते हैं, जो हमारे बालों को फिर से अच्छा आकार देते हैं, जो उन्हें बिगड़े से सवार देते हैं। किरदारों की कहानियों में कहानी ये भी है महेश कुमार सराठे की। इनकी दुकान दूर से देखो तो शायद नजर ना आए, मगर कहते हैं कि दुकान की सीट कभी खाली नहीं होती। काम सालों पुराना है और हुनर ऐसा कि आज भी पुराने औजारों का ही इस्तेमाल करते हैं। वो औजार जो शायद आपको याद हों, जब कभी पापा ज़बरदस्ती बाल कटवाने लेके गए होंगे और छोटे से पट्टी पर बैठा दिया गया होगा आपको रोते हुए, और जो वो डराने वाली मशीन थी ना बाल काटने की। जी हाँ, महेश जी के पास वो आज भी है। उनके पास वही पुराना उस्तरा और कैंची हैं जो कभी किसी ज़माने में इस्तेमाल होते होंगे। उस्तरों की धार आज भी पत्थर पर घिसकर लगाई जाती है। महेश जी बताते हैं कि उनके पास सबसे ज़्यादा दाढ़ी बनवाने वाले आते हैं, क्योंकि उसमें वो माहिर हैं। और उन्हें इस काम की सबसे अच्छी बात भी यही लगती है कि वो कैसे उखड़े चेहरों को अच्छा बना देते हैं, उन्हें संवार देते हैं। वो बताते हैं कि उन्हें ये हुनर विरासत में उनके पिताजी से मिला है। जब उनसे ज़िंदगी के बारे में पूछा तो उन्होंने बताया कि कोई गम नहीं, सब अच्छा है। ऊपर वाले की दुआ से दिन में बराबर ग्राहक आ जाते हैं और दुकान भी ठीक चलती है। बाकी हर काम में उतार चढ़ाव तो आते ही रहते हैं, है ना। उन्हें भोपाल बड़ा पसंद है और यहाँ के लोगों की एकता भी। उन्होंने बताया कि पहले उनकी दुकान 40-45 साल से मस्जिद में ही थी, वो तो मस्जिद बन रही है, इस चक्कर में उन्हें रोड पार यहाँ आना पड़ा। उन्होंने एक औजार दिखाया जो आपने शायद देखा तो छोड़िए, उसके बारे में सुना भी नहीं होगा, नाखून काटने की नहिन्नी। दिखने में कोई शिकार का औजार नजर आती है, मगर जी हाँ, इस छोटे से औजार से नाखून काटे जाते थे। अब सोचिए कितनी बारीकी का काम रहता होगा। वो हर दिन 15-20 किलोमीटर दूर से साइकिल चलाकर यहाँ आते हैं। क्या जज्बा है ना अपने काम को लेकर। मुझे लगता है कि कोई काम छोटा या बड़ा नहीं होता। जैसे कि रईस की अम्मी जान भी कहती थी कि कोई काम छोटा या बड़ा नहीं होता, और काम से बड़ा कोई धर्म नहीं होता। और शायद यही सच है। कारवां से जुड़े रहें, क्योंकि कारवां और कहानियों का सिलसिला यूं ही चलता रहेगा। अगली कहानी तक ध्यान रखें और कारवां को यूं ही प्यार देते रहें। शुक्रिया।